कुणाल, तेरे को पता लगा क्या हुआ अभी? हाँ, मेरे को पता लगा यमुना को जो रिलीज किया था वो वापस आई और इसने हमारी एक मुर्गी को आई थिंक अटैक कर दिया किसी मुर्गी पे। हमारी एक मुर्गी नहीं, हमारी बेस्ट मुर्गी पे, फेवरेट मुर्गी पे। मैं तो यहाँ से पानी पीने आया था और मेरे पीछे आवाज सुनाई दी मेरे को, मैं देखा तो बिल्ली पकड़ के ले जा रही थी इसको। ले ही जा रही थी? हाँ, और रुक में पहुँच रही है और अंकित ने बिल्ली पकड़ी, मुर्गा पकड़ा। मुर्गी 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 पेन तो सीवियर होगा अब इसको, एकदम से बहुत सेंसिटिव होता है चिकन क्योंकि, है ना। और एक दांत यहाँ पे था, हमने ऑइंटमेंट लगा दिया ब्लड से, तो हम तो उसे खाना रख रहे हैं, फिर वो मुर्गे क्यों खा रही हमारे? विक्की की बिल्ली से ये शिकायत है, लेकिन इससे कोई पूछे कि हरियाणा में सारी दुनिया का खाना मिलता है, तू क्यों मुर्गी खाता था भाई? क्योंकि वो खाना नहीं खा रही आके नीचे, उसको यही डर है कि हम पकड़ लेंगे वापस। तो हम क्या प्लान करेंगे ज्योति वीरन मुर्गों को बचाने के लिए? अब तो जाली बनवानी पड़ेगी, जो मैं बहुत टाइम से सर को बोल रही हूँ कि वो बड़ा जाली वाला वो बन जाए इनके लिए एक एरिया। नॉर्मल एक पेन किलर देंगे हम इसको, उसी से ठीक होगा इसका। एकदम से डल हो गई, देखो ना आँख आँख सैड होगी ना बेचारी। सैड क्या, वो आँख ये वाली खुली है कि ये वाली खुली है? ये वाली तो खुली थी, एक आँख इसकी बंद रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। थैंक यू अंकित भाई, आपने एक बेजुबान की जान बचाई आज। तो इसमें इनमें इंजेक्शन नहीं लगाते क्या मुर्गों में? इंजेक्शन भी लग सकता है पर हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम नहीं करते। तो सस्पेंशन यूज़ करने इजी है। ये हैं डॉक्टर तरन, जिन्होंने हमें हाल ही में ज्वाइन किया और थोड़ी देर में मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करूँगा। बेबी नो गीता नाम है इसका, बेबी डॉग। बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं है ना? नहीं, बट वो ऊपर का तो वो कटा है ना, उसको अंदर लेने का भी, सॉलो करने का तो मौका देना पड़ेगा ना। हेलो हेलो, तुम इवेंट शुरू हो गया, तुम वो जगराते की तरह हेलो हेलो कर रहे हो। डॉक्टर तरन को इंट्रोड्यूस करने से पहले हम कुछ दिन देख लेना चाहते थे कि ये यहाँ पे टिकेंगे भी या नहीं, और अब जब इंट्रोडक्शन का टाइम आया तो वो वैसी हुई नहीं जैसा हमने प्लान किया था। राधा कह रही थी कि आप नाराज हो। नहीं नहीं, नाराज नहीं हुआ, क्यूरियस था कि कब मिलूंगा। अच्छा, जब भी मैं यहीं होता हूँ, पर ये मेरे को उस दिन पकड़ा करो जिस दिन धूप निकली हो। मैंने उनको बताया है। क्या बताया? बारिश आती है तो सर का मूड खराब हो जाता है ना। अरे मूड ठीक नहीं रहता, इस मूड डिफरेंट, तो मैं गायब हो जाता हूँ, फिर मैं अपने में रहता हूँ। उनका जानना जरूरी है सर। क्या, मैं तो वैसे भी मैं मैं अपनी इंटरेक्शन लिमिटेड रखता हूँ, बदनामी होती है लोगों से बात करके, कोई फायदा तो कुछ होता नहीं, हंसाएगा ना होता नहीं, रुलाएगा हो जाता है। ये हाँ ओके, ओ ये तो कलर भी बिल्कुल वो है, परफेक्ट। तो हमारी एक गाय है ना आ रखी, जिस दिन मुन्नी जिसको वो लाया साहिल पशु हॉलिक, तो ये उसी के लिए है। ये तो बस ये तो ले आए थे बस। एनी काव, पर मेरे तो दिमाग में जब मेरे को ज्योति ने बताया ना आप लायो पग, मैंने वीडियो देखी थी, वैसे इन्फ्लुएंस हो गया। ओह नाइस, मेरे पास ही पड़ी थी, मैं ले आया। नाइस यार, तो ये मुन्नी को अभी जब आप चेंज करोगे तो यही यूज करोगे? नहीं, उसको जरूरत नहीं पड़ रही, उसको नहीं लगा रहे। मैंने वही तो कहा कि जब आप चेंज करोगे। अच्छा, आप जरूरत है ही। राजा यार, ये थोड़ा ना सीन इसके पहनने हो गए। ओ नो, लड़ा रहा है। तुम सूट लेके कहां हो, कैमरे लेके आ गए। ये देखो बस, ज्योति रो रही है, हंस रही है, आंसू तो आ रहे हैं। बाबा दर्द का आंसू इधर रो रही हूं मैं। तेज मुर्गी की तो ना जोर से मारा क्या? कहाँ निकाला दीदी खून? राधा दीदी क्या करने आए हो आप यहाँ? मुर्गी से पिटने। हम गीता का चेकअप करने आए हैं, कल ही इसको जो बाइट हुआ है ना गले में, तो कल तो पेन किलर दे दिया गया था, है ना। अब आज फिर से अभी चेकअप होगा पूरा, अब देखते हैं कि क्या करना है आगे, कैसे प्रोसीड करना है। ये देखो, ऐसे चोंच मारी है उसने कि मेरे को खून तक निकाल दिया है। अपने मुर्गों को समझा लो, अपनी तरह मत बनाओ उनको। मौत के मुँह से निकल के तो आ गई, लेकिन डर लगा रहता है, एक तो इतने सेंसिटिव रहते हैं ना ये लोग। सेंसिटिव तो बहुत रहते हैं, बहुत ये तो है राजी, ये और सहता तो है ही है। हाँ, वो जो है।
तो ये क्या दे रहे हैं ज्योति अभी हम? एंटीबायोटिक। इन्फेक्शन है इसको? नहीं, इन्फेक्शन नहीं है, एज अ प्रिवेंटेटिव भी दिया जाता है ना, कैट बाइट है। जैसे अगर लोहे से लगेगी तो तुम टेटनस तो लगवाओगे ना, तो अभी तो इसको प्रिवेंटेटिव ही दिया जा रहा है ताकि इन्फेक्शन होने का चांस ना रह जाए। खून निकाल दिया मुझे। अपना देखो, अपना जरा सी चोट लग गई तो कैसे? काम कर रही थी और वो आया इतनी जोर से उसने मेरे को। मैं कह रहा हूँ, बचपन से आज तक कितने मुर्गे निपटाए आपने? मैंने किसी को भी नहीं निपटाया है। खाए नहीं? नहीं। झूठ। झूठ। आपके यहाँ कोई शादी ब्याह पार्टी कोई ऐसी ना हो जिसमें आप लोग मुर्गा नहीं काटते। तुझे काम नहीं कोई है? चलो सॉरी। एनीवे, बैक टू डॉक्टर तरन। इनके पास और भी कुछ आइडियाज हैं, काफ़ी क्रेजी आइडियाज, कि गाय को मैग्नेट खिला दो, वो हम बाद में बताएंगे। पर हाँ हाँ, पर अच्छे आइडियाज, गुड क्रेजी। पर अभी क्या है कि अब ये अभी आए हैं डॉक्टर हिमांशु, छुट्टी पे हैं, केस लोड बहुत ज़्यादा है। मतलब इनको तो आते ही ऐसे है कि स्विमिंग पूल के डीप एंड में धक्का दे दिया गया है। तो जैसे ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है सब, फिर हम ये नई चीज़ें करेंगे ट्राई। दोबारा नहीं बना रहे हम रील। पर सही है यार, मुझे ये अच्छा लगा कि आपने देखा और आप लाए। तो ये मतलब ये है ना, वीडियो एट वर्क। ठीक नहीं किया इसने, लेकिन आपको ठीक लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है खाना, सब कुछ बहुत अच्छा है, रहना बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, वीगन खाना कोशिश कर रहा हूँ मैं, वीगन बनने की। तो अभी आप वेजिटेरियन हो? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेस्ट तो हुई बट वीगन बनना आगे जाके। पहले तो यहाँ पे लोग आते, मैं यही सवाल पूछता था कि भाई आप क्या हो, वेज वीगन रेगुलर? यहाँ हो ही जाते हैं आके तो, वैसे भी यहाँ तो खाना वीगन ही है, खाना भी और वैसे भी हो जाता है, चेंज आ जाता है कुछ। नाइस। हमने आई थिंक 2-3 ब्लॉग पहले आपको बताया था ना कि जब कोई केस की बात हो रही थी कि भाई किसने पूछा था, विक्की ने पूछा था लोग वेट बनते ही क्यों हैं, और हमने बताया था कि हमारे एक नए वेट ज्वाइन करने वाले हैं कि भाई जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री वाला काम मिला थोड़ा, तो आत्मा को मार के काम करना पड़ रहा था, तो वो यहाँ आ रहे हैं, वो ये हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि एनिमल का मतलब ऐसे नहीं है कि उठाया थोड़ा बहुत करा छोड़ के, ऐसे नहीं है, पूरा A to Z ट्रीटमेंट चलता है, पूरा फॉलोअप होता है उसका, और एक सब चीज़ें देख के फिर उसको भेजा जाता है। तो ये मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है, क्योंकि जनरली हम भी कभी ट्रीटमेंट करते ना हॉस्पिटल में, केस आते हैं तो उसको बस ठीक करा जाता है, मतलब मेडिकेशन दी जाती है उसकी, सिम्टोमेटिकली ठीक हुआ नहीं हुआ, मतलब केयर करने वाले ने करा नहीं करा, ऐसे चला जाता है। तो ये एक मुझे सबसे ये लगी कि पूरा जब तक यहाँ पे एनिमल रहता है ठीक होता है फिर ही भेजते हैं ना। सेम वही डॉक्टर गुलशन वाली बात हो गई ना, कि जाते हुए उन्होंने भी यही कहा कि भाई रिकवरी प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है, आई मीन एक तो सेटिस्फैक्शन है, दूसरा लर्निंग उसमें ज़्यादा की, फॉलोअप हमारे आँखों के सामने होता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। नाइस, गुड यार, गुड गुड टू नो। राजा तू कैमरा बंद होने दे, कैमरा बंद होने फिर बताऊंगा मैं तेरे को। बाय राजा। पिछले ब्लॉग के एंड में राधा के साथ जो हुआ बहुत से लोग जानना चाहते थे, उस पर राधा का क्या रिएक्शन था। बाय चांस वीडियो डालने से पहले हमने अप्रूवल लेते समय राधा का रिएक्शन रिकॉर्ड कर लिया था। अरे तो बारिश हो गई रास्ते में, मैं क्या करूं? बारिश का कोई स्केड्यूल जुड़ना है भाई, मार्च चल रही है, मैंने भी बनाया है, क्या होता है वो देखो, इसमें बारिश होती है, इसमें छेव नहीं होती, कभी भी हो सकती है। बंद करो उसको, जादू पप्पी ऐसे मेरे आपके बच्चे भी, ये मैंने नहीं बनाया, ये ऋषिकेश ने बनाया, ये ऋषिकेश ने बनाया। ऊपर चढ़ के देख रहे हैं बिल्ली को, वो तूने किया तूने, नहीं लिया ना, बेइज्जती हो जानी सर, देख लेंगे नहीं ना, मैं तो दिखा रहा था कि बिल्ली देख रहा है, आपने क्या कराई? मैं सब, मेरे को नहीं पता तू कैमरा लेके खड़ा था, आपको ध्यान रखना चाहिए ना दीदी, मेरी बेइज्जती तेरा, ओ भाई बहन भाई, नहीं
मेरा तो चेहरा ब्लर कर देंगे। तू जल्दी, आपका भी ब्लर कर दूंगा चेहरा, किसी को नहीं पता चलेगा दीदी। वो तेरा दिमाग खराब है क्या? डिलीट करो उसको पहले तो, उसने एक तो कपड़े नहीं ढंग के पहने होते भाई। ढंग के कपड़े पहनना भाई दीदी, एक मिनट, मेरी हाइट के तो उसने कपड़े पहन के रखे होते। चिंपोंगली के पजामे चोर के लिया था कुत्ता। भाई चिंपोंगली कौन है, क्या सुन रहा हूँ मैं ये? हाँ मम्मी पापा को पता है तेरे? हाँ। अच्छा भाई ठीक है दीदी। बच्चे नहीं दीदी, क्या प्यार से बोलोगे तो मैं कर भी दूंगा, ऐसे गुस्सा वाली शक्ल से देखोगे तो मैं क्या करूँगा?